आपका जो एट्थ चैप्टर था वो था लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करके एरिया निकालना और लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके पेरीमीटर निकालना स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। उसके बारे में एट्थ चैप्टर में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नाइन्थ चैप्टर है, वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस जितनी कोई जगह घेरता है। जैसे हमने इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, टू ऑब्जर्व सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों ओर अराउंड यू, हमारे चारों ओर जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठोस वस्तुएं जो होती हैं, वो उनके बारे में हमने ऑब्जर्व करना है, देखना है कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके रियल लाइफ में उनकी क्या प्रॉब्लम हमारे पास आती है। तो उसके बारे में हमने देखना, यानी हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है इस लेसन में। टू एस्टिमेट द स्पेस कवर्ड बाय द सॉलिड्स, जो सॉलिड फिगर होती हैं, चाहे वो कोन हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, मैंने चार नाम लिए हैं क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर, ठीक है। तो इन सभी का क्या करना है, हमने एस्टिमेट द स्पेस कवर्ड, यानी वो कितनी जगह घेरते हैं सॉलिड, उनके बारे में हमें इस लेसन में पता चलेगा। टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड्स इन डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्यूब का और क्यूबॉइड का, उसका वॉल्यूम का, उनको कंपेरिजन करना है। कैसे देखेंगे, वॉल्यूम का मतलब स्पेस कवर्ड, यानी यहाँ पर लिखा ना स्पेस कवर्ड बाय सॉलिड, तो ये स्पेस कवर्ड जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है वॉल्यूम। और पुट थिंग्स इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से चीज़ों को ऑर्डर में करना, मतलब किसका कम है किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। स्टूडेंट्स कैन लर्न टू फाइंड द एग्जैक्ट मेजरमेंट एंड नॉट एस्टिमेशन, यानी हम एस्टिमेट नहीं करेंगे, जो हम ये जो चैप्टर है ना वो स्पेस कवर्ड का ही है, सारा चैप्टर जो है वो स्पेस कवर्ड का है। तो स्पेस कवर्ड का हम खाली एस्टिमेट नहीं करेंगे, हम उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे, उसको मापेंगे कि कितना है। जैसे आप दूध लेते हो तो दूध वाला वो भाई जो होता है वो आपको एक डब्बे में मतलब माप के देता है, जिसमें डंडी लगी होती है, उसको ड्रम में डुबोता है, फिर उसको भरता है, फिर आपके बर्तन में डाल देता है। तो वो जो लीटर का डब्बा होता है उसको हम एक लीटर कहते हैं, ऐसे ही जो लिक्विड्स को मापेंगे तो लीटर्स में मापेंगे, ठीक है। सॉलिड का भी जो सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब, वो साथ में क्यूब आएगा। जैसे एरिया में स्क्वायर मीटर आता था, स्क्वायर सेंटीमीटर आता था, यहाँ पर वॉल्यूम में क्यूब आएगा। तो ये आपकी हो गई इंट्रोडक्शन। अब देखो, जैसे पहली क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो सेब है और ये एक नींबू है, ठीक है, तो लेमन है और ये सेब है। तो हमने बताना है टेक द ऑब्जेक्ट विच टेक्स मोर स्पेस, तो इसकी कौन सी, जैसे एक टोकरी में हम सेब डालें, एक उसी टोकरी में वो सेब निकाल के बाद में नींबू डाल दें, तो कौन से नींबू कितने ज़्यादा आएंगे, जो ज़्यादा आएंगे इसका मतलब वो कम स्पेस घेरता है। तो उसमें हमने इस पर टिक करना है, इस पर क्रॉस कर देना है, ठीक है, इन दोनों में से। अब जैसे यहाँ पर लिखा है टीचर विल शो फाइव सॉलिड थिंग्स टू द स्टूडेंट्स एंड विल आस्क देम टू नेम द ऑब्जेक्ट्स कवरिंग मोर और लेस स्पेस, ऐसे पांच चीज़ें हम ले सकते हैं, उसमें हमें पता चल सकता है कि कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जगह घेरती हैं। अब देखो, ये भी एक किताब है, ये भी बुक है, इन दोनों का हमने कंपेरिजन करना है। तो आपको लगता है कि ये बुक थोड़ी बड़ी है, इसकी जो ये वाली जो है वो लेंथ है, ये वाली जो है वो ब्रेड्थ है, और जो थिकनेस है इसकी ऊपर को वो इसकी ऊंचाई है, या उसको हाइट भी कह सकते हो, ब्रेड्थ भी कह, विड्थ भी कह सकते हो। तो ये बुक ज़्यादा बड़ी, ये छोटी है। जैसे अगर हम बैग में ये वाली बुक्स डालेंगे तो कम ज़्यादा आएंगी, ये वाली बुक्स डालेंगे तो कम आएंगी, तो इसकी स्पेस ज़्यादा है। तो यहाँ टिक कर दिया, यहाँ पर क्रॉस कर दिया। और ये देखो, एक ये ब्लॉक है, ये जो शेप है वो क्यूबॉइड शेप होती है, ठीक है, ये बुक छोटी है।
ये बुक छोटी है, इसका मतलब इसकी स्पेस कम है, इसकी स्पेस ज़्यादा है। तो ये ग्लास है और ये जग है। ये तो जनरली आपको पता चल ही जाएगा कि जग में जो दूध आएगा वो ज़्यादा आएगा। जग भर के तो नहीं हम पी सकते, ग्लास भर के तो हम पानी दूध जो भी होगा वो हम पी सकते हैं, जग भर के तो नहीं पी सकते। जग तो हम तब लाएंगे जब चार पांच आदमियों को हमने पानी पिलाना हो। तो जैसे ये छोटी गेंद है, ये क्रिकेट की बॉल है, ये छोटी है और फुटबॉल का साइज इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये ज़्यादा जगह घेरता है। तो स्पेस जो है वो, उसके बारे में फिगर देखने से हमें ये तो हमें पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये तो चीज़ें जो हम वो एस्टीमेशन से, यानी उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं हम, फिर एस्टीमेशन के साथ ये चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो छोटी है और कौन सी बड़ी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, यही आपका आज का सबक है। दिस इज़ योर मैथ होमवर्क 5th क्लास। ओके, तो इसको आपने समझना है, इसको करना नहीं है, इसको समझना है। अगर करना है तो ये बुक पे, आपकी बुक पे पेज 196 पे, पेज पे है ये। इसको आप पेंसिल से आप कर सकते हो, किसको क्रॉस करोगे। ओके, थैंक यू।